और गाइस ये देखो वहां चेक करो तो भाई ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। तो भाई साहब पनीर टिक्का का मसाला बन चुका है और ये देखो यहाँ पे सैलेड वैलेड सब तैयार हो चुका है। हेलो गाइस ध्रुव भाई के किचन से। तो आज हम बनाने वाले हैं भाई बहुत ही खतरनाक सा डिश। तो अभी भैया हमारे निकाल रहे पनीर, देख सकते हो भाई पनीर का क्वांटिटी देखो भाई इतना बड़ा ज्यादा है। और ये देखो ये क्या है भाई, ये पहले से टेस्ट हो चुका, देखो इधर टेस्ट भी हो जा रहा है। और हमने यहाँ पे सभी सामान को कट करके रख दिया है गाइस। देखो और गाइस इसको चॉप करते करते मेरा हाथ चॉप हो गया गाइस। और गाइस ये सभी हमारे भैया काट रहे पनीर, पहले इसको पानी में भिगा लो थोड़ा। और गाइस ये देखो साबुन की तरह धो रहे, देखो पनीर जम गया है ना थोड़ा, एकदम एकदम कड़क हो चुका है गाइस। और ये पनीर एकदम खतरनाक वाला क्वालिटी का है। कौन सा क्वालिटी का है? आनंदा। तो गाइस ये रहा पनीर का पैकेट और ये देखो, तो देख रहे हो उसमें बड़े बड़े पनीर जाएंगे हमारे कौन से रोल में, पनीर टिक्का रोल में भाई, बहुत ज़्यादा मजा आने वाले गाइस। और ये देखो गाइस ये पता नहीं कौन सी चीज़ का पेस्ट है ध्रुव भाई, थोड़ा ये मैरिनेशन है पनीर टिक्का रोल के लिए, जो मैरिनेशन हमने तैयार किया है मसालेदार मैरिनेशन, स्पाइसी वगैरह खट्टा मीठा आपको सब टेस्ट एक सब मिलेगा। इसमें क्या क्या डाला है एक बार बता दीजिए। गरम मसाला पड़ा है, चिकन मसाला पड़ा है और थोड़ा बहुत दही, दही मतलब दही से ही बनाया है एक हिसाब से। हाँ। और अभी हमारे भैया कर रहे हैं इसको मैरिनेट अच्छी तरह से। अब इसको हम लोग मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे आधा घंटे तक, तब तक हम लोग आटा गूंद देंगे, तब तक आटा गूंद लेंगे, तब तक आटा गूंदते। और गाइस पनीर का साइज मतलब थोड़ा कटिंग ना अजीब ही हो रहा है क्योंकि ना ये जम चुका है इसी इस चक्कर में, नहीं तो भाई वरना कोई मसला नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और गाइस करो इसको इससे मिलाओगे हाथ से? नहीं ये इससे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा चम्मच से। हाँ तो गाइस इसको तो यही ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। हेलो गाइस, गाइस देखो भाई इसको हम लोग ऐसे, इसको हम ऐसे रख देंगे 15 मिनट है जब तक हम लोग आटा गूंथते, जब तक आटा गूंथते तब तक ये ऐसे ही रहेंगे पड़ा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ना अच्छे से घुस जाएगा सभी सामान, फिर थोड़ा टेस्ट हमें एकदम मस्त लगेगा। और अभी हम करते हैं कोई दूसरा काम, ढूंढने के लिए रख दिया है आटा, नहीं सॉरी मैदा। हम उस समय से आटा बोल रहे हैं। गुनगुना पानी चाहिए, थोड़ा गुनगुना पानी चाहिए। और भाई सबसे पहले पता है आटे में क्या गया है? घी, जो देसी घी। घी से पता क्या होगा? घी से होगा रोटी सॉफ्ट और क्रंची, और घी तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा क्योंकि ये लोग तो वैसे वो बनाने के लिए वो तेल यूज़ करते हैं, पर हमने देसी घी का यूज़ किया है क्योंकि सॉफ्ट बनेगा और खाने में टेस्टी बनेगा बहुत ही ज़्यादा। पहले भी भाई ध्रुव भाई ने एक बार बना रखा है, तो उस टाइम बनाया था चिकन रोल जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी था ना क्या ही बताऊँ, उसका स्वाद अगले मैंने मुंह से नहीं लिया। और उसी को देख के अभी मेरे भैया बना रहे हैं पनीर टिक्का। ध्रुव भाई अभी गूंद रहे मैदा, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हो चुका है। अरे भाई आराम से गाइस ये देखो पूरा फैला दिया इतना ऐसा शेप है पूरा फैला दिया इधर, देखो गाइस अंदर से बाहर आ गया यहाँ पे ही अच्छा गोला भाई, इसको साफ तो कर लेता पनीर टिक्का भी साफ किया गाइस। ये देखो भाई एकदम खतरनाक तरीके से इसको गूंदा जा रहा है, मस्त होगा। गाइस प्लान हमारा था कि ऐसा कि हम बनाने वाले पिज्जा, पर प्लान चेंज हो गया, चीज ना मिलने के कारण पनीर टिक्का बना रहे। कोई बात नहीं गाइस, पर पिज्जा से बहुत ज्यादा मस्त लगता है पनीर टिक्का। हाँ टेस्ट मुझे ज्यादा बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो किचन में इन लोगों ने पंखा भी इंस्टॉल कर रखा है, कहा ये कुछ दिन बाद एसी लगेगा, कहाँ लगेगा यहाँ इस साइड को लगेगा एसी, बस वीडियो में बने रहिए। सब्सक्राइबर हुआ तो किचन में एसी लगा देंगे, 2000 सब्सक्राइबर पर किचन में एसी, और 3000 में वही एसी गिव अवे करते 3000 में वही एसी गिव अवे। और गाइस ये ना ये जो रोल है ये सबसे इजी है बनाने में और सबसे कम बजट में बन जाता है ना, सही बात है। घर मतलब आप भी बना सकते हो घर में आराम से, पहले से बेस्ट मटेरियल से जो चीज बचा हुआ उसका बना सकते हैं, चीज खरीदो हाँ चीज खरीदो कुछ नहीं,
अगर हमारे पास देसी घी था, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। और वैसे तो सबके घर में दही तो होता ही है, तो दही तो दही को तो दही से ही, दही का ही काम है सबसे ज़्यादा इस मैरिनेशन में, सबसे ज़्यादा दही का काम है और थोड़ा मसाले का। अब मसाला तो आपको पता ही है क्या क्या पड़ जाता है, मसाला तो घर का मसाला, घर का मसाला है, कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं हुआ। गाइस हम ना हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। ये हमारा डो बन के तैयार, देखो डो बन के तैयार हो गया, ध्रुव भाई ने बना दिया। गाइस इसको थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे ताकि ये सूखेगा नहीं यार, इसको भी इसके अंदर रख के थोड़ी देर रख देंगे नेक्स्ट के लिए। तब तक हमारा पनीर भी लगभग लगभग मैरिनेट हो गया है। और गाइस ये हम जो देसी घी यूज़ कर रहे हैं ना, वो ये रहा अमूल का। सब कुछ रेडी होने के बाद भैया ने पैन को चढ़ा दिया गैस पे और चिमनी को ऑन कर दिया। और गाइस अभी जा रहा है इसमें डलने देसी घी। गाइस ये देखो कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में देसी घी जा रहा है। जो बनेगा हमारे इसमें देसी घी का ही बनेगा। गाइस कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में डल गया। और गाइस ये चेक करो भाई, कलर देखो गाइस। और गाइस हमने यहाँ पे कोई कलर का यूज़ नहीं किया क्योंकि इससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। इस चक्कर में एकदम हेल्दी चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम, घर के मसाले हैं सब। और घर के मसाले में भी देखो गाइस कितना मस्त कलर आ रखा है। ऐसे देखो सब ध्रुव भाई का कमाल है। सो गाइस फाइनली चेक करो भाई साहब, पनीर टिक्का का मसाला बन चुका है। और ये देखो यहाँ पे सैलड वैलड सब तैयार हो चुका है। इसे देखो क्या ही गजब लग रहा है भाई। और ध्रुव भाई देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हो भैया, रोल बना रहे हैं हम, लच्छेदार रोल। अब तो यहाँ पे कट क्यों लगाया, अब देखना कैसे लगता है। देखो ध्रुव भाई ने गैस पे चढ़ा दिया तवा और अभी रोटी। और ये देखो भाई हमारा रोटी बनके तैयार हो चुका है, अभी जाएगा ये गैस पे और बन जाएगा। ये देखो भाई स्टाइल चेक करो, कैसा बनाने पे इतना वो मत करना, पहला वाला थोड़ा सा बनता है, पहले वाला थोड़ा बनता है वैसे। पहले रोटियों को बनाने में थोड़ी दिक्कत आई, उसके बाद सभी रोटी आराम से बन गई। एक चीज़ चेक कर रहा हूँ आपको, ये देखो हाँ शायद ही दिख रहा होगा, ये साइड से देखो देसी घी लप लपा रहा है। फाइनली रोटी बन के तैयार हो चुका है। ये देखो अंडा हो रहा है, ये देसी अंडा अभी, ये भी आपको दुकान में नहीं मिलेगा। हाँ भाई ये दुकान में तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये घर पर ही मिलेगा, महंगा बहुत महंगा है। कितने का आता है अंडा, ये अंडा 30 रुपए का दो मिल रहा है अभी, 30 रुपए का 200, 15 का एक अंडा है, सोच रहे हो। फाइनली सभी सामग्री बन के रेडी हो चुकी है और गाइस अभी रोल बन रहा है, आपको दिखाते हैं रोल। ये देखो भाई ये हमारे ध्रुव भाई बनाएंगे रोल। सबसे पहले इसमें जा रहा है जो हमने पनीर फ्राई किया था, ये देखो गाइस इसको एकदम कट कर लेंगे, खाने में मस्त लगे। सबसे पहले कि पनीर चले गया, उसके बाद फिर जाएगा ये सैलेड, उसके बाद फिर ये क्या डाल रहे हो, तंदूरी मसाला। ये देखो जी, इसके बाद जा रहा है किसान सॉस। सॉस भी देखो आपने फर्जी वाला भी इस्तेमाल किया है, जो लोग करते 30 रुपये बोतल, ये किसान का है, किसान का है। और गाइस ये देखो गाइस मेयोनीज, अब जाएगा ये स्पाइस चटनी। सभी को बैलेंस करके डाल रहे एकदम, कुछ ज़्यादा ना हो जाए कुछ कम ना हो जाए। मीठा दोनों सॉस आएगा, ये देखो गाइस ये जाएगा पेपर के ऊपर, ऑयल पेपर नहीं है इसलिए हम लोग नॉर्मल से कर रहे हैं। नॉर्मल आप भी नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चेक करो गाइस, ये देखो गाइस फाइनली
फाइनली गाइस बन के हो चुका है रेडी और ये सभी रोल को एक साथ बना लेते हैं उसके बताओ भाई, बोल नहीं सकते भाई, ये मार्केट फेल है भाई, मार्केट फेल, सब सामान एकदम भरा पड़ा है इसके अंदर, तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए।